बख्तू मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है? ये रख कर आता हूँ फिर बात। बख्तू जी कौन? खैरियत तो जी, सब खैरियत तो है ना? कहाँ है आपका बेटा? बुलाइए। कौन कौन? क्या कह रहे हैं आप? क्या क्यों आए? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश ना करें, बख्तू को बुलाइए। आज मैं उसको जान से मार दूंगा। पहले मेरा ख्याल था कि 1 महीने का नोटिस देके ना आपको इज्जत से निकालूंगा, लेकिन इस काबिल ही नहीं है। आज तीनों को ना धक्के मार के सामान उठा के फेंकूंगा। बुलाइए बख्तू को। बख्तू अरे मुझे तो लगा कहीं गायब कर दिया, या हो सकता है अंदर बैठ के गुल खिला रहा होगा कोई। और मुझे तो पहले दिन से इन लोगों का चाल चलन, रहन सहन मशकूक लगता है। इंतजार क्या करें, निकाले ना बाहर। बुलाइए उसको। मैंने आपको कहा ना वो घर पे नहीं है। मैं 1 मिनट आता हूँ, आप लोग अपना जाओ। मुझे पता अभी खाना सर्व होने में टाइम है, लेकिन तुम एक काम करो, 3 कप चाय बनवा के ऊपर मेरे कमरे में भिजवा। लेकिन वो बुढ़िया बीवी। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? 3 कप चाय बनवा के ऊपर मेरे कमरे में अगले 10 मिनट में। समझ आई? नूरा, नूरा, नूरा। बख्तू, क्या कहते हो? मलकानी जी बुला रही है, कोई काम है उन्हें। जल्दी जाओ, काफी देर से बुला रही हूँ। आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। मैंने आपको बताया ना वो यहाँ पर नहीं। मैं कहता अपने बेटे को बुलाइए, आज जान से मार दूंगा मैं। मैंने आपको कहा ना वो घर पे नहीं है। आधी रात हो रही है, मैं जवान बेटी की माँ हूँ। आप कैसे मेरी घर की दहलीज पार करके मुझे बेइज्जत करने के लिए आ गए? इनका बेटा तो भाग गया और इन्हें आप धक्के देके घर से निकाल देंगे। अपनी सगी का सोचा? अरे घर से भाग गई ना तो मोहल्ले में बची कुछ इज्जत भी नीलाम हो जाएगी हमारी। भाग के जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। जब उसकी माँ और बहन को आधी रात को घर से बाहर निकालूंगा ना तो भाग तब आएगा। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके खिलाफ 420 का पर्चा कटवाऊंगा। इंतजार करती हूँ आपके आगे हाथ जोड़ेंगे। मेरी बेटी की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, बस मैं अपना इंतजाम कर लूंगी, चली जाऊंगी। आप कुछ समझाए? अरे मेरी सुनते तो नौबत आती क्या? बस आज की आज और रातों रात आपको ये कमरा छोड़ना होगा। मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है। ना 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 ना, मेरी बात तो सुन।